उम्मीद है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि किस मंथ लिस्ट होगा। एक भाई का सवाल है कि जो क्वाइन परचेज करके स्टेक कर रखे हैं उनको बर्न करने का क्या मीनिंग है आफ्टर 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर के बाद तो बर्न नहीं हो रहे। इस पे खैर मैं अलग से मीटिंग्स कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि सवालों से लग रहा है कि शायद आपने अंडरस्टैंड नहीं किए या फिर ये है कि आप उन मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सके। इस हवाले से देखें, ये तो कंपनी पॉलिसी है, यानी मैं आप कोई भी है, हम सब के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। यदि मेरी कई करोड़ की स्टेकिंग है और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी ना जब मैं यूएसडीबी पे करूंगा, और मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसका एक फलसफा है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, कंपनी ने किस वजह से ये पॉलिसी दी है वो कंपनी एक्सप्लेन कर चुकी है। इसका इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उसकी लंबी डिटेल है, वो डिटेल यही है जिस डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो आप इसे क्राउड फंडिंग कह सकते हैं, आप इसे ITO कह सकते हैं, जिसके अंदर फंड रेज किया जाता है प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। देखिए, वरना कौन ऐसा बंदा है जो ये चाहे कि अच्छा जी आप, मैंने क्वाइन बनाया है, आप मेरा क्वाइन खरीद लें और उसके बाद मेरा क्वाइन महंगा बेच लें। महंगा कैसे हो जाएगा, हाई प्राइस कैसे हो जाएगी, नहीं हो पाएगी ना, जब तक प्रोजेक्ट कोई बिल्ड नहीं होगा, जब तक आप अपने प्रोजेक्ट की कोई शक्ल नहीं निकालेंगे, जब तक अपने प्रोजेक्ट की कोई हाइप नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ टेंजिबल नहीं कर सकेंगे। बातों से तो बहुत सारे क्वाइन बने हुए हैं, करोड़ों में है क्वाइन जो बातों से बने हुए हैं, लेकिन उनमें ना तो उनको मार्केट में कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं खरीदता। तो इसलिए जब क्वाइन बनता है तो उसके अंदर जब ITO का कॉन्सेप्ट आता है या क्राउड फंडिंग का आता है या आप उसको बाय कर रहे होते हैं, तो इसी तरह होता है जिस तरह आप किसी कंपनी का शेयर बाय कर रहे होते हैं, उसी तरह आप टोकन या क्वाइन बाय कर रहे होते हैं। आप क्वाइन बाय करते हैं, जब स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप क्वाइन से और क्वाइन कमाएंगे, क्वाइन से और क्वाइन अर्न करेंगे। तो पहली चीज आपको सबको पता होनी चाहिए कि हर एक, यानी 99% कम्युनिटी ने अपने क्वाइनों को बढ़ाया है, ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिवाय इसके कि वो आदमी जो आखिरी दिन में आया हो वो बराबर में है। अगर उसने एक भी क्वाइन नहीं कमाया था तो उसको पूरे 100 क्वाइन वापस मिल रहे हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट समझ ले के जो आखिरी दिन में आया है, ये प्रोजेक्ट 1 मार्च से चला है और 1 मार्च से लेकर के जब तक के प्रोजेक्ट की स्टेकिंग बंद नहीं हुई, हर एक ने मुसलसल क्वाइंस बढ़ाए हैं, अपने क्वाइनों की गिनती बढ़ी है। किसी ने 10,000 क्वाइन से शुरू किया था तो वो 20,000 क्वाइन पे खत्म हुआ है, 30,000 पे खत्म हुआ है, 40,000 पे गया, और बहुत सारे 50,000 क्वाइन भी कमा गए हैं। 5x कमाने वाले भी हजारों लाखों में। इसलिए जो क्वाइंस थे, एक चीज तो ये है कि सबके क्वाइंस बड़े हैं, कोई एक आदमी ऐसा जिसके क्वाइन कम हुए हो कि मैंने 100 क्वाइन स्टेक किए थे और मेरे 99 रह गए, ऐसा नहीं है, कोई एक भी नहीं होगा, ठीक है, 100 के 100 ही है अगर किसी ने लास्ट डे में भी स्टेकिंग की हो तो। अदरवाइज ये है कि 99.99% कम्युनिटी वो है जिन्होंने अपने क्वाइंस को इंक्रीज किया। अब जो सवाल है ना, जहां पे आपने पूछा है कि क्वाइन मैंने परचेज करके स्टेकिंग पे लगाए थे, तो डेफिनेटली हर कोई परचेज करके ही स्टेकिंग पर लगाता है। कोई किसी ने ITO में कंपनी से परचेज कर लिए होंगे 0.125 की प्राइस पे, किसी ने 2 सेंट पे ले लिए होंगे, किसी ने 3 सेंट पे ले लिए होंगे, और जो कंपनी ने क्वाइन दिया है वो कितना कम है, वो एज कम्पेयर टू जितना मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है उसका बहुत छोटा पोर्शन है जो इस कंपनी ने दिया है। तो जो फीस का इंप्लीमेंटेशन था वो इसलिए था कि 3rd ITO कैंसिल कर दिया गया था, 2rd ITO एक सक्सेसफुल नहीं था और पहले ITO के साथ एक डिजास्टर हो चुका हुआ है इस कंपनी के वाले से। आपके इलम में जब पार्टनरशिप्स ब्रेक हुए और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फंड्स का, तो उसके अंदर प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं बचा। तो एक ऑप्शन उस वक्त ये था कि प्रोजेक्ट को कैरी किया जाए, जो कि इस कंपनी के फाउंडर ने कैरी किया आगे ऑनवर्ड। ये जो है फी जो है वो इसलिए है ताकि प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर ये कंपनी जो है वो अगर फी नहीं लेती तो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कैसे कर पाएगी। और ये फी जो है वो भी इसका एक पूरा इकोसिस्टम है, क्योंकि जाहिर है इसका टू दी पॉइंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई चीज इसकी नहीं है। आपको पता है पूरे इकोसिस्टम के अंदर प्रीवियस प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट करके चीजें मैनेज होती हैं। तो अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट था कि आप फी पे कर दें, फी में भी 1% का ऑप्शन भी आ रहा है, फी में अब USDB का ऑप्शन भी मिल गया। और आप सबको पता है कि USDB $1 = 1 USDB नहीं है, तो डिफरेंट प्राइजेस हैं जहां पर जिसको जिस तरह समझ आती है लोग सेल कर लेते हैं। तो अगर आप इसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी समझ लें तब भी आपके लिए फिजिबल है। यानी मिसाल के तौर पे 1,00,000 टोकन अगर मैंने स्टेक किए थे और 1,00,000 टोकन से मैंने कुछ भी नहीं, एक सिंगल पैसा भी नहीं लिया हुआ, तो तब भी मैं, और वो 1,00,000 टोकन मैंने एक प्राइस पे लिए थे जो भी मेरी प्राइस थी। अब अगर मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है कि मैं 300 USDB देके
अपने 1 लाख टोकन ले सकूं, या पिछले ऑफर में 200 USDB के अंदर वो ऑफर था, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है अगर मैं उसको अपना पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट समझ लूं, वो मेरा पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना। मिसाल के तौर पे एक पार्ट ये था कि मैंने प्लॉट लिया, वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट। दूसरा पार्ट ये है मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन की। तीसरा पार्ट है मैंने उसकी रेनोवेशन की। तो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट होता है, जिस तरह लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर सीए करते हैं, कॉस्ट एवरेज करते हैं, इसी तरह आप फीस को ऐसे ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल नहीं है, यानी अच्छी चीज नहीं है। मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त, क्योंकि मेरी तकलीफ शायद बाकी बहुत सारे लोगों से ज्यादा होगी क्योंकि मुझे ज्यादा फीस पे करना है। लेकिन इसलिए मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इलॉजिकल नहीं है, ये थोड़ा समझ में भी आती है अगर हम समझना चाहें, अगर हम सिंसियर हैं इस कॉज के साथ कि मेरी मैंने बी लव टोकन को किसी अच्छी प्राइस पे बेचना है, या क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से मैंने कोई गेन हासिल करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अगर जैसे लोग सीए करते हैं, बीटीसी बाय किया किसी बंदे ने 50,000 पे, जब वो 40,000 पे जाता है तो वो नुकसान में, वो मजीद बाय करता है ताकि उसकी कॉस्ट एवरेज जो है वो 45 बन जाए। बीटीसी 30 पे चला जाता है, वो और कॉस्ट एवरेज करता है और बाय करता है। तो इस तरह ये इसको आप समझना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, तो ये लॉजिकल बन जाता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी अच्छी शानदार चीज नहीं कि मैं इसको डिफेंड करूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसको ऐसे समझ कर किया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। एक भाई ने अपना इशू ही भेज दिया ईमेल चेंज करने के लिए, तो उनको मैं कहूंगा कि आप बी लव की सपोर्ट पे जाएं, अगर बी लव का इशू है तो। अब बी लव का इशू है और वहां पर जा, नहीं ईमेल चेंज नहीं है, वो कहते हैं स्टेकिंग की थी 10,000 BLV टोकन की और एक मेरा सिर्फ टोकन रिवॉर्ड में आता रहा, इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। आप बिल्कुल बी लव की सपोर्ट पे चले जाएं, वहां तरीके सलीके से बात करें। मैं आपके इलम में इजाफा कर दूं, इस वक्त 14 के करीब लोग कस्टमर सपोर्ट में काम करते हैं, जो बी लव के हवाले से और गेम ओके के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से सपोर्ट देते हैं, और वो सारे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे दुबई में बैठते हैं, वो सारे सैलरीज लेते हैं, उनको पता है कि उनको आपको डील करना है। आपको भी सिर्फ पता होना चाहिए कि आप उनको अपना केस समझा पाए, क्योंकि क्यूरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो तरीके सलीके से उनको केस समझा पाएं और वो आपको उसका आंसर कर देंगे। आपको यहां वहां घूमने की जरूरत नहीं है, आप सलीके से उनको अपना मुद्दा बताएं। अगर वो आपके अगर कंपनी पॉलिसी से कोई अगेंस्ट चीज होगी तो वो आंसर भी ना शायद करे। मिसाल के तौर पर आप कहें मैं 1% फीस नहीं देना चाहता, तो इसका सपोर्ट वाला कोई आंसर नहीं करेगा, दैट इज अ टेक्निकल सपोर्ट। तो टेक्निकल सपोर्ट पे आपका प्रॉब्लम है, आपका कोई प्राइवेट की से जुड़ा प्रॉब्लम है, आपका कोई ईमेल चेंज से, फोन नंबर चेंज से, नाम चेंज करने से जुड़ा प्रॉब्लम है, आपको जैसे अभी आपने भेजा है बी लव टोकन कितने आने थे और कितने नहीं आए, इसका प्रॉब्लम है, तो ये आप उनसे कह सकते हैं और वो सॉल्व करेंगे, और वो सॉल्व करते हैं। उनकी जो सॉल्व करने की जो रेशो है इश्यूज को, जो टेक्निकल इश्यूज है, वो 99% सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकता कि आपको जरूरत पड़े कि आप AMA में आके ये इशू बताएं कि सॉल्व कर दिया जाए। मैं तो इसको चैट को बंद कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा ये। इसलिए आपको जो आपका रेलिवेंट प्रोडक्ट है उसकी जो सपोर्ट मिली होती है, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है, जब मेरे फेसबुक में प्रॉब्लम आता है ना, तो उस वक्त जो है वो मैं मुझे फेसबुक की सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करना है, मैंने दोस्त थोड़ी ढूंढना है, मेरा कौन सा दोस्त वाकफ है जो, या कभी मुझे CZ मिल जाए, सॉरी वो मिल जाए, मार्क ज़करबर्ग मिल जाए, तो मैं उसे बताऊं कि मेरा वो एक इशू बना हुआ। इसलिए कस्टमर सपोर्ट पे जाएं, आपका डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा होपफुली।